कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन का ए, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। इसका आंसर होगा, आप जस्ट पोएम में ही चेक करेंगे तो पोएम में ही पहले पैराग्राफ में इसका, पहले स्टेंजा में इसका आंसर है, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड टू चेंज आवर फेल्योर इन विनिंग। हिंदी में इसका समझ लें आप लोग कि व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, एक दूसरे अवसर की हमें क्यों आवश्यकता है, हमें क्यों चाहिए कि जीवन में हमें दूसरा अवसर मिले। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। तो आंसर है, वी विश मीन्स हमें चाहिए फॉर अनदर चांस, दूसरा अवसर। क्यों हमें जीवन में दूसरा अवसर चाहिए? इसलिए टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, जिससे हम एक नवीन शुरुआत कर सकें। क्यों नवीन शुरुआत कर सकें? क्योंकि हमारे जीवन में कई चीज़ें में हम असफल हो जाते हैं, गलतियों के कारण हम उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। तो उस अपनी गलतियों को, असफलताओं को दूर करने के लिए और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें दूसरे अवसर की आवश्यकता होती है, हमें दूसरा अवसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड ए न्यू स्टार्ट। हमें न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने की क्या आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता होती है कि नई शुरुआत हम कैसे करें, नई शुरुआत में हमें क्या क्या की आवश्यकता होती है, व्हाट डज इट टेक। तो इट टेक्स अ डीप डिजायर, इसका आंसर होगा, टेक्स अ डीप डिजायर एंड होल हार्टेड अटेम्प्ट टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। अर्थात कोई भी नई शुरुआत करने के लिए हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, डीप डिजायर, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और होल हार्टेड मीन्स पूरे हृदय से, सहृदय से हमें अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता मुख्य है, कि हमारे प्रबल दृढ़ संकल्प होना चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और पूरे हृदय से, जी जान से जिसे हम कहते हैं, उसकी अपनी शुरुआत करनी चाहिए। Why should we never give up in despair? हमें जीवन में जो है निराशा आने पर, असफलता आने पर, पूर्ण निराशा में अपने आप के, अपने प्रयास को, अपने कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। Why should we never give up? कभी भी हमें एक बार असफल हो जाए, निराशा मिले, तो उससे हमें जो है क्या है कि अपने जीवन, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे घबरा करके अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। आंसर होगा, We should never give up in despair, because each tomorrow brings new hopes to start afresh for us. हमें जीवन में असफलताओं से, निराशाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी हर सुबह, हर प्रातः, हर सुबह नई आशा और नई तरोताजगी से हमारे जीवन में आती है। अर्थात हमारे जीवन में नई आशाएं, नई उम्मीद जगती हैं, हर सुबह हमारे जीवन में नई आशा लेकर आती है, इसलिए हमें निराशाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम। अंत में प्रश्न ये है कि इस
कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? तो इसका आंसर होगा, वी लर्न फ्रॉम द पोएम टू कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू अचीव आवर गोल विद बीइंग डिजेक्टेड इन आवर लाइफ। अर्थात हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में निरंतर अगेन अगेन बारंबार प्रयास करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मोहम्मद गोरी का सुना होगा कि वह 16 बार पराजित होने के बाद एक चींटी से उसने जो है सीख ली कि चींटी जो है दीवार पर चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, उसको देख करके ही उसने जो है देखा, अंत में वह चींटी सफल हुई। तो अर्थात हमें जीवन में असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। मैच द फॉलोइंग, दूसरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। ए और बी में पोएम को जो क्या करना, मैच करना है। तो पहला है अ चांस, ए से है अ चांस टू ब्लॉट आउट, तो दूसरे से इसको लेंगे, आवर मिस्टेक्स। दूसरा, इट ओनली टेक्स, इसका इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, दूसरा का तीसरे से। तीसरा है टू एड अ लिटिल, टू एड अ लिटिल, तो इसका तीसरे का दूसरे से होगा सनसाइन। चौथा है सो नेवर गिव अप, इसका चौथे का पहले से हो जाएगा इन डिस्पेयर। अब आता है वर्ड पावर। रीड द फॉलोइंग एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है सक्सेस, सक्सेस माने सफलता, इसका होगा फेल्योर, असफलता। दूसरा है ओल्ड, ओल्ड का होगा न्यू, शैलो माने उथला, जो छिछला होता है उसका होगा डीप, नेवर का ऑलवेज, एंड का बिगिनिंग, डिस्पेयर का होप। इसके बाद दूसरा है थ्री राइमिंग, राइट थ्री राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, जिसमें फर्स्ट वन है एट, तो राइमिंग वर्ड्स फॉर द एट विल बी डेट, फेट, गेट, फेस। दूसरा है फेस, फेस का होगा रेस, लेस, पेस। तीसरा है चिन, चिन का होगा विन, टिन, थिन। चौथा है न्यू, न्यू का होगा ड्यू, फ्यू, म्यू, लाइक दिस। ये रहा आपका एक्सरसाइजेज। एक्टिविटी में देखिए, एक्टिविटी अगले पेज पर है। एक्टिविटी में ए टू जेड तक का जो है नंबर्स दिए गए हैं, अर्थात ए स्टैंड फॉर वन, बी स्टैंड फॉर टू, सी स्टैंड फॉर थ्री, लाइक दिस अप टू ए टू जेड। सो इसी को डी कोड करना है। तो ऊपर में जैसे एक ठो किया गया है नेवर, नेन, एन जो है 14th पे आता है।